हेलो विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो प्लीज़ इसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द फेनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जब मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाते हैं तो उसके आसपास के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हमारे कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐड होता है। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तभी बनता है कंडक्टर में जब उसमें चार्ज मूव कर रहे होते हैं या फिर कंडक्टर में करंट होता है। तो जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हुआ, इसका मतलब उसने चार्ज को मूव कराया है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें कहा गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है 4×10⁸ टेस्ला का, और जिसके परपेंडिकुलर एक सरफेस रखा गया है, उस सरफेस का एरिया है 1 cm², और हमें पूछा गया है कि इस सरफेस एरिया में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह कितना होगा। तो हमारे पास दिया गया है एक सरफेस एरिया और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर इसके मैग्नेटिक फील्ड है बी, और हम जानते हैं कि अगर यह सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर हम फाइंड करते हैं तो कुछ ऐसा हमें मिलता है एरिया वेक्टर। और यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वह रिलेशन है 0° का एंगल। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं कि ये होता है बी ए कॉस थीटा। अब बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0°, हमारे पास सिर्फ बी और ए बचा। अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का वैल्यू पुट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड है 4×10⁸ टेस्ला एंड एरिया है 1 cm², दैट्स मीन्स 1×10⁻¹। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4×10⁴ वेबर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4×10⁴ वेबर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो एसी जनरेटर्स होते हैं वह किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। हमें पता है कि जो एसी जनरेटर्स होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और साथ में जब हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो वहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन के कारण ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट एसी जनरेटर जनरेट कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि एसी जनरेटर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक क्वाइल में अगर करंट 10 A से 5 A चेंज होता है 2×10⁻¹ सेकेंड में, और वहाँ पर EMF का वैल्यू 5 V है, तो बताइए कि हमारा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। हम जानते हैं कि हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का एक फार्मूला है E=LdIdt, और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है सेल्फ इंडक्टेंस, तो हम लिखेंगे LdIdt, ये हमारा हो गया। हम जानते हैं कि हमारा जो EMF दिया हुआ है वो 5 V है, और DI जो है वो सब्सट्रैक्शन के बाद 5 बचेगा, और साथ में हमारा जो DT है वो दिया हुआ है 2×10⁻¹ सेकेंड, तो इसे अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/5×2×10⁻¹ सेकेंड, इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये 1 हो गया, 2×10⁻¹ को 0.2 H हम इंडक्टेंस लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है 0.2 H वो सही हो गया।